इंदौर महापौर मालिनी गौड़ ने नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह पर निगम का फंड रोकने और पक्षपात करने का आरोप लगाया है। वहीं अपनी उपेक्षा से नाराज महापौर मालिनी गौड़ ने जयवर्धन सिंह के मुख्य आतिथ्य में होने वाले निगम के कार्यक्रम का भी बहिष्कार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में इंदौर को लगातार दो बार नंबर वन बनाने वाली महापौर मालिनी गौड़ कमलनाथ सरकार के रवैये से बेहद नाराज हैं। महापौर ने राज्य सरकार पर उपेक्षा किए जाने के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा फंड रोका गया जिससे परेशानी आई। महापौर ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि नगरीय प्रशासन मंत्री ना ही उनसे बात करते हैं और ना ही फोन उठाते हैं। कई बार उन्होंने कोशिश की जिनका रिकॉर्ड उनके पास है। सैलरी तो लगातार मिल रही। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने हमारा दो माह से जो फंड नहीं दिया था उससे काफ़ी परेशानी आई काफ़ी ठेकेदार को, और जो सैलरी का हमारा क्षतिपूर्ति का था वो दो माह से हमको पैसा नहीं मिला था। उससे 18 करोड़ का हम बिजली का बिल भरते हैं, बाकी पैसों से हम सैलरी बांटते हैं, वो हमको वहाँ से फंड प्राप्त नहीं हुआ था। कई बार मैंने माननीय जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन जी, उनको मैंने मैसेज किया मुझे आपसे बात करना, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया और मैसेज डाला है कि मैं अभी व्यस्त हूँ, आप बाद में बात करिए। कई बार मैंने फ़ोन लगाया, मेरे मोबाइल में मैसेज भी है उनका, जो मैंने मैसेज भी किया और फ़ोन भी लगाया, वे फ़ोन नहीं उठा पाए। इतना ही नहीं, महापौर मालिनी गौड़ ने कहा कि कई अधिकारी सरकार के दबाव में हैं। छोटे छोटे नेताओं ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के कार्यक्रम को नहीं होने दिया। वहीं महापौर ने नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख ने नगर निगम का कार्यक्रम रखा जिसमें मुख्य अतिथि मंत्री जयवर्धन रहेंगे, जिनका उन्होंने बहिष्कार कर दिया। वहीं उन्होंने बीजेपी के मेयर्स को परेशान करने का आरोप भी लगाया और कहा कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, प्रोटोकॉल को तोड़ा जा रहा है, जिसके लिए आगामी समय में बड़ा निर्णय लिया जाएगा। हमारे लोकसभा के स्पीकर, जिनके साथ हमने हरसिद्धि बगीचे का लोकार्पण करना था, जानकी नगर में भूमि पूजन करना था बगीचे का, लेकिन अधिकारी भी उनके दबाव में है और लगातार उनकी जो चालबाजियां चल रही है, कांग्रेस के छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे नेता जो हैं वो इस तरह से हरकत कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को होने नहीं दिया गया। और आज हमारी विपक्ष की नेता ने कुछ कार्यक्रम रखे, उसमें माननीय मंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं इसका विरोध करती हूँ और निंदा भी करती हूँ और उस कार्यक्रम का बहिष्कार करती हूँ। कुल मिलाकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नगर निगम में पक्ष और विपक्ष में तकरार बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।